हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर श्वेता बागड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एट ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेन जमशेदपुर। हमने लास्ट लेक्चर्स में गणित शिक्षण की विधियों के अर्थ, परिभाषा, उनको प्रभावित करने वाले कारक, उनके चयन में किस तरह की सावधानियाँ रखनी है, ये सब देख लिया है। आज के लेक्चर में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए गणित शिक्षण की विधियों का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण विधियों के प्रकार। गणित शिक्षण में अनेक विधियां प्रचलित हैं, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी विधि कितनी उपयोगी है। इस बात का निर्णय टीचर पर ही छोड़ देना उचित रहता है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया से एक शिक्षक का ही निकटतम संबंध होता है। इसके लिए उसके द्वारा निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों, स्वयं का प्रशिक्षण, बालकों का मानसिक एवं शारीरिक स्तर, रुचियाँ, विद्यालय में उपलब्ध भौतिक साधन, ये सब को ध्यान में रखकर ही शिक्षक एक विशेष विधि का चुनाव करता है। फिर भी एक जो सक्सेसफुल टीचर है या एक्सपीरियंस टीचर है, उसको एक विधि चुनाव करने से पूर्व, उसका चयन करने से पूर्व, अपने क्लास के बच्चों का भौतिक स्तर, उनकी रुचियाँ को दृष्टिकोण ध्यान में रखकर ही उसका चुनाव करना चाहिए, क्योंकि एक उपयुक्त और प्रभावी विधि ही के प्रयोग से ही बालक जो होते गणित के अध्ययन में रुचि लेते हैं, उनको यह जटिल विषय नीरस नहीं लगता, बोरिंग नहीं लगता, उसमें ध्यान देने लगते हैं। तो गणित शिक्षण की मुख्य विधियाँ इस प्रकार की हैं, जिसमें है एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, विश्लेषात्मक संश्लेषात्मक विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधि, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुसंधान या खोज विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोजना विधि, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श विधि। तो ये मुख्य विधियाँ हैं गणित शिक्षण की, जिसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, देखते चलेंगे। सबसे पहले अभी आज हम देखेंगे विश्लेषात्मक संश्लेषात्मक विधि, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, जिसमें हम पहले देखें विश्लेषण विधि क्या है। विश्लेषण विधि विश्लेषण प्रक्रिया पर आधारित होती है। गणित की समस्याओं के विश्लेषण में हम इस विधि का उपयोग करते हैं। यह विधि रेखा गणित में अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। इस विधि की सहायता से हम जो भी कठिन भाग होता है समस्या का, प्रॉब्लम का, उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और यह ज्ञात किया जाता है कि इस समस्या को हल किस प्रकार किया जाए। इसमें क्या किया जाता है कि समस्याओं के विभिन्न भागों का विच्छेदन करके ही विश्लेषण किया जाता है। मतलब जो भी समस्या आपके पास दी गई है, उसको अलग अलग भाग करके उसको उसका एनालिसिस किया जाता है। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, निष्कर्ष से ज्ञात तथ्यों की ओर। अज्ञात से ज्ञात मतलब जो चीज़ हमको प्रूफ करने के लिए दिया गया है, उसको लेते हुए जो चीज़ हमें दिया हुआ है वहाँ तक पहुँचा जाता है। तो ये दो सूत्र मुख्य रूप से इसमें काम करते हैं। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा उस समस्या को छोटे छोटे भाग में बांट लिया जाता है। जैसे भी बताएं, जो भी आपको समस्या दी जाती है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है, जिससे उसका हल ढूंढना आसान हो जाता है। तो इस विधि में मुख्यतः इसका प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित जो परिस्थितियाँ दी गई हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। जो फर्स्ट स्थिति वो है कि जब किसी साध्य को हल करना हो, मतलब जब हमको कोई थ्योरम प्रूफ करना होता है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, विश्लेषण विधि का। सेकंड है कि जब रेखा गणित में कोई रचना कार्य करना हो, जब हमें ज्योमेट्री का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई उसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए हम विश्लेषण विधि का भी यूज़ करते हैं। जब अंकगणित में किसी नवीन समस्या को हल करना हो, व्हेन टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम इन अरिथमेटिक, मतलब अंकगणित में हम किसी नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में प्रत्येक पद का अपना महत्व और आधार होता है, इसलिए किसी समस्या का विश्लेषण ठीक प्रकार से करना चाहिए। मतलब इसके जो भी सभी स्टेप रहते हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप विश्लेषण कर रहे हैं तो उसको ठीक प्रकार से करेंगे, हम लोग ध्यान देते हुए करेंगे एक एक स्टेप को, क्योंकि एक एक स्टेप इसमें महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो रेखा गणित में विश्लेषण विधि का प्रयोग, एक आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को
मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर और आधी होती है। ये हमको प्रूफ करना है, तो इसमें इसको हम विश्लेषण विधि के द्वारा प्रूफ करेंगे। से त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज के मध्य बिंदु है डी और एफ ई, तो डी और ई है मध्य बिंदु दो रेखाओं के, डी और ई। तो ये हमको बताना है कि दोनों को मिलाने वाली जो तीसरी रेखा है के समांतर यानी बी सी के समांतर है और उसके आधी है। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो दिए गए प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भुजा डी ई को एफ तक के बढ़ाया गया है। देखिए भुजा डी ई को एफ तक के बढ़ाया गया है। इस प्रकार बढ़ाया गया डी ई इक्वल टू ई एफ तथा ए सी रेखा से सी एफ को मिलाया गया है, ई सी रेखा से सी एफ को मिलाया गया है। ठीक है, ये यहाँ से ए सी रेखा से सी एफ को मिलाया गया। अब हमको ये जो चीज़ प्रूफ करने के लिए दी गई है उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। इस विधि द्वारा ये स्पष्ट किया है कि उपरोक्त रचना की आवश्यकता क्यों हुई है तथा हमें किस प्रकार डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी किस तरह से करेंगे और डी पैरलर है बी सी के, ये सिद्ध करने में किस तरह से सहायता करेगी ये देखते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि टीचर क्वेश्चन करते जाता है और जो भी स्टूडेंट का संभावित आंसर है उसको ब्रैकेट में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, टीचर ने क्वेश्चन किया तो जो भी संभावित आंसर है बच्चों का उसको ब्रैकेट में लिखा गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी भुजा के मध्य बिंदु डी और ई हैं, जैसे यहाँ पे दिया है। फिर टीचर फिर पूछ रहा है कि हमें क्या सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है वो बता रहा है स्टूडेंट की डी ई पैलर है बी सी के और डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये प्रूफ करना है। फिर टीचर पूछ रहा है कि डी ई रेखा बी सी की रेखा की आधी कब हो सकती है, तो फिर स्टूडेंट ने जवाब दिया कि जब डी ई रेखा को दुगुना कर दिया जाए यानी टू ऑफ डी ई इक्वल टू बी सी, यानी कि जब उसको डी ई को हम F तक के बढ़ा दिए उसको दुगना कर दिए तो उसको BC के इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। दूसरी और क्या बात प्रूफ करनी है, दूसरी ये बात प्रूफ करना है स्टूडेंट ने संभावित आंसर दिया है कि DE रेखा BC के समांतर होगी, DE रेखा BC के पैलर है, ये प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट अब फिर क्वेश्चन, ये कैसे सिद्ध हो सकता है, स्टूडेंट आंसर करता है यदि यह सिद्ध हो जाए कि DBCE एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरह से ये प्रूव हो सकता है, जैसे DBCF ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये अगर प्रूव हो जाए तो वो चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो DBCF को समांतर चतुर्भुज किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, स्टूडेंट आंसर करते हैं यदि यह सिद्ध हो जाए कि DB रेखा CF के समांतर है, DB रेखा CF के समांतर है, ये सिद्ध हो जाए और समांतर और बराबर है। तो क्वेश्चन फिर टीचर कर रहा है कि हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं तो, कि DB इक्वल टू CF, तो फिर आंसर मिल रहा है यदि यह सिद्ध हो जाए कि CF इक्वल टू AD और BD इक्वल टू AD। तो इस तरह फिर क्वेश्चन हो रहा है कि DB पैलर है CF के, हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं। फिर आंसर कर रहे हैं कि एंगल DAE और ECF एकांतर कोण है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है, ये प्रूव हो जाए। तो यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि CF इक्वल टू AD तथा एंगल DAE और एंगल ECF इक्वल होगा, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ADE और त्रिभुज CEF सर्वांग सम हो, कॉन्जुगेट हो, तो ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज यदि सर्वांग सम होगा तो ये सारी कंडीशन प्रूव हो सकती है। फिर क्वेश्चन टीचर कर रहे हैं कि इन त्रिभुज को सर्वांग सम कैसे प्रूव करेंगे, तो दोनों की तुलना करके, स्टूडेंट ने आंसर किया तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ECF में एंगल AED किसके बराबर होगा, तो एंगल ADE बराबर होगा एंगल CEF के, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब दोनों त्रिभुज में से कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, तो DE इक्वल टू EF, तो ये दोनों त्रिभुज में ये वाली रेखा बराबर होगी DE इक्वल टू EF,
ये हमको पता करना था, रचना से पता चल गया। तो ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई इक्वल टू ई सी ये हो गया, इसलिए ई ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमको पता चल गया क्योंकि ये ए सी का मध्य बिंदु है। जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं? तो स्टूडेंट ने आंसर किया, दोनों सर्वांशम त्रिभुज होते हैं। इस प्रकार त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ई सी एफ इक्वल है, ठीक है, सर्वांशम है। जब ए बी पैरेलल होगा सी एफ तो ए सी तिर्यक रेखा काटती है, तो एंगल डी ए ई किसके बराबर होगा? तो एंगल डी ए ई एंगल ई सी एफ के बराबर होगा, जो एकांतर कोण है ये और ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला एकांतर कोण है। तो जब एंगल डी ए ई इक्वल होगा एंगल ई सी एफ तो डी बी और सी एफ में क्या संबंध होगा? तो फिर आंसर किया स्टूडेंट ने, तब डी बी रेखा सी एफ के समांतर होगी, डी बी रेखा सी एफ के समांतर होगी, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर और बराबर होगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जब डी बी समांतर है सी एफ के तथा डी बी इक्वल टू है सी एफ के, तो चतुर्भुज डी बी सी एफ कैसी आकृति होगी? तो स्टूडेंट ने आंसर किया कि डी बी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा, डी बी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा, इसलिए डी एफ एक समांतर होगा बी सी के, ठीक है, और डी एफ इक्वल होगा बी सी के, मतलब ये वाला लाइन और ये वाले लाइन एक दूसरे के बराबर होंगे, तथा डी ई तथा डी एफ रेखा में क्या संबंध होगा? डी ई और डी एफ में क्या संबंध होगा? ये डी ई और ये डी एफ में क्या संबंध होगा? तो वो बता रहे हैं कि डी एफ इक्वल टू टू ई डी, मतलब डी एफ जो है डी ई का डबल होगा, तो डी इसलिए या फिर लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू हाफ ऑफ डी एफ। यही हमको प्रूफ करना था कि ये जो रेखा है आधी होती है इसके, ये हमको हमने प्रूफ कर दिया था कि डी एफ इक्वल है बी सी के, इसलिए हमने लिख लिया कि डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, और ये पहले प्रूफ कर दिया है कि बी डी ई पैरेलल है बी सी के। इस प्रकार जो सिद्ध करना था हमको उसको हमने जानते हुए लेते हुए उसका रहस्य खोलते हुए सिद्ध करते गए और जो जो चीज़ों की आवश्यकता थी उनको निकालते गए। तो इस तरह से एक एक छोटे छोटे स्टेप में इसको सॉल्व करते जाना है, उसको छोटे छोटे भाग में हमको इसको विच्छेद करते हुए इसको सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से रेखा गणित में विश्लेषण विधि का प्रयोग होगा। एक और देख लेते हैं हम कि बीजगणित में विश्लेषण विधि का किस तरह से प्रयोग होगा, एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस मेथड इन एलजेब्रा। इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यदि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन प्रूव ए सी प्लस फोर बी स्क्वायर अपॉन बी सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस फोर बी डी अपॉन डी सी। तो ये प्रूफ करना है। तो इसमें हम एनालिसिस मेथड किस तरह से प्रूफ लगाएंगे, जो हमें ज्ञात करना है, जो चीज़ ज्ञात करना है उसको लेते हुए हम जो दिया हुआ है उस तक पहुँचेंगे, मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है हमको, ठीक है, तो इसको लेते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो चीज़ हमको प्रूफ करना है वहाँ से। तो इस तरह से इस सर्वसमिका में क्वेश्चन किया स्टूडेंट ने कि इस आइडेंटिटी को सरल रूप किस प्रकार लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट जवाब दे रहा है कि दोनों तरफ से हरों में से सी काट देंगे, फिर गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि सी दोनों तरफ है उसको हट गया है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, डी का इनटू इस तरफ हुआ है ए सी प्लस फोर बी स्क्वायर में, और बी का इनटू सी स्क्वायर प्लस फोर बी डी में। तो ये वाला पोर्शन हमको मिल गया है। फिर आगे क्वेश्चन कर रहे हैं टीचर कि इसको आगे कैसे हल सरल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ने बताया कि दोनों पक्षों में 4b स्क्वायर d है तो इसे काटा जा सकता है, तथा c भी हटाया जा सकता है, काटा जा सकता है, तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे। फिर स्टूडेंट ने बताया वैसे ही करेंगे, फिर यहाँ पे 4b स्क्वायर d दोनों तरफ है वो हट गया, मिला आपको ए सी डी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो जब यहाँ पे सी हट जाएगा तो हो जाएगा
ए डी इक्वल टू बी सी। इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, तो दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो यही हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमको यही दिया हुआ था और यह हमने प्रूफ किया। तो जिस तरह से जो चीज़ हमको ज्ञात करना था, प्रूफ करना था, उसको लेते हुए जो चीज़ हमको दिया हुआ था वहाँ तक हम पहुँचे। तो इस तरह से यहाँ पे सूत्र भी फॉलो हो रहा है अज्ञात से ज्ञात की ओर। इस प्रकार से समस्या का विश्लेषण करके उसका हल हम आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरह से विश्लेषण विधि का प्रयोग रेखा गणित में, बीज गणित में, अंक गणित में, सभी में हो सकता है। बस उसका जो भी समस्या का पार्ट है उसको छोटे छोटे भागों में विच्छेद करते हुए निकालना है हमको जो चीज़ हमको ज्ञात है या निष्कर्ष है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। आज का लेक्चर हम यहीं तक करते हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि विश्लेषण विधि के गुण क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, और आगे की विधियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे।